इस देश का अन्नदाता अगर सड़कों पे है तो इस सरकार के लिए चिंता का विषय। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो सच्चे मन से काम करना पड़ेगा। और वो 18,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं और 18,000 रुपए बंगाल में चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं, उससे पहले जहाँ चुनाव हुए वहाँ हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एन के इन प्रकार से सत्ता में रहना चाह रहे हैं। विपक्षी भड़का रहे हैं और उन्होंने सही काम कर रहे हैं तो इस वेस्टर्न यूपी के किसानों का गन्ना भुगतान, यूपी के किसानों का गन्ना भुगतान करा देते। आटा और गेहूं प्रधानमंत्री भी खा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी खा रहे हैं और इस देश की जनता भी खा रही है और समाजवादी भी खा रहे हैं, कांग्रेसी भी खा रहे हैं। तो हम तो समर्थन करेंगे, तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा विषय अलग है। सर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी का बयान आया है परजीवी को लेकर, परजीवी है जो आंदोलन करते हैं। देखिए प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन है और संवेदनहीनता की वजह से ही आज किसान आंदोलित है। नहीं तो इस देश का अन्नदाता अगर सड़कों पे है तो इस सरकार के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस दिन से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो उसी दिन से ध्वस्त हो गई। कानून व्यवस्था के नाम पर इनकी सरकार केवल अपने दावे पेश कर रही है कि मैंने इस माफिया को ध्वस्त कर दिया, मैंने उस माफिया को ध्वस्त कर दिया। किसी के मकान ध्वस्त करने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो सच्चे मन से काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से एक 18,000 रुपए किसानों को देने के लिए बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था मंत्री, तो जब 18,000 रुपए वहां दे रहे हैं तो किसान आंदोलित क्यों है? हर बॉर्डर पर किसान बैठा है, देश का किसान आंदोलित है, अन्नदाता आंदोलित है और वो 18,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं और 18,000 रुपए बंगाल में चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं, उससे पहले जहाँ चुनाव हुए वहाँ क्यों नहीं दिए? वो तो कह रहे किसान है ही नहीं बैठे हुए। अब वो तो इस तरीके से जिस तरीके से 26 तारीख को लाल किला पर तिरंगे के नाम से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसमें सबको पता है कहीं ना कहीं जो लोग लाल किले पर पहुंचे वो दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाल किले पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। इसीलिए ये एक प्रोपोगंडा बना रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनकी याद नहीं आ रही है, लेकिन जो बंगाल के किसान हैं उनकी सरकार को बहुत याद आ रही है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार है ममता बनर्जी की, वो किसानों को फायदा नहीं दे पा रही, देने नहीं दे रही। इस देश का और इस प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एन के इन प्रकार से सत्ता में रहना चाहती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बंगाल के चुनाव में मशगूल हैं, इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं, इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं। ये अपना इनका खुद का एजेंडा है, उस एजेंडे पे ही काम करते हैं ये। किसी के इनके एजेंडे में किसी की भलाई या किसी को किसी तरीके से सरकार का प्रतिफल मिल जाए उसका इनका कोई एजेंडा नहीं। केवल जहां चुनाव हैं किसी भी तरीके से गुमराह करके या कोई हथकंडा चलाकर केवल सत्ता में रहना इन लोगों का मकसद है, वही वो कर रहे हैं। 122 किसानों पर मुकदमा किया गया है और 16 से ज्यादा किसान है जो 26 तारीख के बाद से लापता है। देखिए इस सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो यह इसी से देख लीजिए, 100 से ज्यादा किसान शहीद हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश के और देश की सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने संवेदना के नाम पर उनकी एक शब्द भी नहीं बोला। केवल मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव जहाँ होंगे वहाँ वो अपने चाहे 16,000 रुपए बांटें चाहे और कुछ बांटें कागजों में, अब पता नहीं बस स्थिति क्या है वहाँ तक वो पैसा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा वो तो राम भरोसे। सत्ता पक्ष ने अभी कहा था महज कुछ समय पहले कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी विचारधारा है ये आंदोलन, इस पर क्या कहना? देखिए
भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोले वो विपक्षी धारा, अगर जनता की बात कोई कहने लगे तो वो विपक्ष गुमराह कर रहा है, अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो इस देश के अन्नदाता को आप क्यों नहीं मना पाए? इतनी मीटिंग करने के बावजूद चाय बना पिला के भेज दे तो आपने क्यों नहीं एक सामंजस्य बैठा के उनके साथ कोई बीच का रास्ता निकाला? अभी चक्का जाम जब होने वाला था उससे थोड़े ही समय पहले कहा गया कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ की सरकार का कहना था, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, किसानों का आंदोलन, अन्नदाता का आंदोलन इतने उग्र रूप धारण कर चुका है, और जो ये प्रशासन की बात कर रहे हैं, शासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन और शासन कुछ नहीं कर सकता किसान। जब कोई आदमी दुखी होकर सड़कों पे आ जाए तो उसको फिर कोई परवाह नहीं रहती है, इसलिए जब देश का अन्नदाता सड़कों पे है तो शासन और प्रशासन की क्या बात है? नहीं, वो कह रहे हैं कि इनको भड़का के सड़कों पे लाया जा रहा है, विपक्षी पार्टी के चाल है बीजेपी का। मैं कह रहा हूँ उनके पास और कुछ कहने को है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे विपक्षी, अगर विपक्षी भड़का रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? विपक्षी जब सत्ता में थे तब भी किसानों की हालत खराब थी, वो तो कह रहे हैं कि हमने एक नया कानून लाके उनके लिए अच्छी चीज करी, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, उनका भला होगा, लेकिन विपक्ष अभी भी भड़का रहा है। विपक्षी भड़का रहे हैं और उन्होंने सही काम कर रहे हैं तो इस वेस्टर्न यूपी के किसानों का गन्ना भुगतान, यूपी के किसानों का गन्ना भुगतान करा देती सरकार, और गन्ना भुगतान करा नहीं पाई। अभी थोड़ा सा एक ऊंट के मुंह में जीरे की तरीके से थोड़ा सा भुगतान कर दिया, पिछले साल का पूरा भुगतान पकाया, लेकिन मीडिया के सामने या प्रेस के सामने वो यही कहते गन्ने का भुगतान हो चुका है, अपना जो प्रदेश सरकार का लेखा जोखा उसमें बोलते हैं कि मैंने बनने का भुगतान कर दिया। बजट सत्र में अब जो कल्याण शेष की बात करी है, कृषि शेष की बात करी है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इनकी सारी घोषणाएं मिथ्या और झूठी है। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, इनकी घोषणा तो जब ये सरकार बनाई तो करे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खाते में जाएगा, गया किसी के नहीं गया, तो इनकी घोषणा तो ऐसी, इन पे क्या भरोसा किया जा सकता है? पुलवामा में जो शहादत हुई थी उसकी बरसी कल मनाई गई, जो 2 साल पूरे हो रहे थे, किसानों ने भी कैंडल मार्च निकाल करके मनाया और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। आखिर प्रधानमंत्री के और किसानों के श्रद्धांजलि में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, देश का मुद्दा है, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उसके लिए पूरा देश का हर व्यक्ति दुखी था, और कल जब उनको श्रद्धांजलि दी गई तो मैंने भी दी थी, लेकिन मेरे देने का मतलब किसी उद्देश्य से नहीं था। मेरे देने का मतलब ये था कि इस देश का सिपाही, इस देश सेना का जवान सरहद पे लड़ता है तो इस देश की आन और बान और शान है, हम लोगों ने इसलिए दी थी। अब जिन लोगों का मतलब जिस चीज को हाईलाइट करना, अटल बिहारी जी की अस्थियां अभी तक उपयुक्त कर रहे हैं, उनका प्रयोग अभी तक कर रहे हैं, जहां जब मौका देखते हैं तो किसी की अस्थि उपयोग कर लेते हैं, जहां जरूरत होती है वो कर लेते हैं, चुनाव कहीं आने वाला है या चुनाव होने वाला है इसलिए सब चल रहा है मामला। अच्छा सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, क्योंकि देश का मामला है। जिस तरीके से अभी वर्तमान में स्थितियां हैं, क्या लग रहा है कि अब यूपी में हालात चुनाव के समय क्या होंगे, विधानसभा चुनाव के समय? देखिए, प्रदेश की जनता इनकी जन विरोधी सरकार से आगे जा चुकी है, और जब मौका मिलेगा तो सही तरीके से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस सभी पार्टी जो है किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अब जो है इसमें किसान नहीं बचा, सिर्फ पार्टी के लोग बचे। देखिए, आंदोलन किसान ही कर रहे हैं, हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं, पार्टियां समर्थन कर रही है। अगर आप समर्थन कर नहीं रहे तो अगर हम लोग समर्थन नहीं करेंगे तो फिर समर्थन करेगा कौन किसानों? तो प्रधानमंत्री भाई, किसानों का पैदा किया हुआ आटा और गेहूं प्रधानमंत्री भी खा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी खा रहे हैं और इस देश की जनता भी खा रही है और समाजवादी भी खा रहे हैं, कांग्रेसी भी खा रहे हैं, तो हम तो समर्थन करेंगे, तुम नहीं कर रहे तो तुम्हारा विषय अलग है। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप लोगों ने किसान का पवित्र आंदोलन को अपवित्र कर दिया। अब इनकी पवित्रता अपवित्रता का तो अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इनकी पवित्रता तो यही है कि 100 किसान शहीद हो गए, ये इनका ये पवित्र नारा है। आपने एक शब्द नहीं बोला,
वैसे रोज मन की बात करोगे आप, लेकिन अगर कोई छोटी से छोटी घटना हो जाती है कहीं और किसी बात पर अगर संज्ञान में ले लिया तो दो शब्द जरूर बोलते हैं और बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 100 किसान शहीद हो गए, आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। इससे बड़ी इस देश के लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। जय जवान और जय किसान शहीदों का नारा इस देश का सबसे बड़ा नारा है। आप उस नारा को झूठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने शहीदों की बात करी, कल ही कृषि मंत्री का जो है हरियाणा कृषि मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अरे अगर यहाँ नहीं मरते जाओ किसान तो फिर घर पे जाके मरते, कहीं ना कहीं तो मरते। ऐसे बयान को कैसे देखते हैं आप? जब उनका मुखिया, जिस घर का मुखिया अगर उल्टे सीधे बयान देगा तो जो नीचे वाले दे रहे उनके लिए तो कुछ कह नहीं जा सकता, वो तो बेलगाम कुछ भी बोलते। जिस तरीके से भी आंदोलन जब चल रहा था उस बीच बीजेपी के विधायक भी, ऐसा किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी के विधायक आए और उन्होंने माहौल खराब किया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये माहौल ही खराब करेंगे बीजेपी के लोग, माहौल खराब करेंगे, सामंजस्य बनाने वाली बात तो करेंगे नहीं। अगर समाजवादी पार्टी किसानों को सहयोग कर रही है, भूखे प्यासे हैं, अगर धरने पे बैठे हैं, अगर उन्हें राशन दे रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं या और कोई कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? यूपी में राम राज्य की बात की थी, अब क्या लग रहा है कि कितना क्राइम थमा है? राम राज्य लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। राम राज्य तो राम राज्य, अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने रसीद छपाकर सवेरे लोगों की, आदमी जग नहीं पाता घर में, सवेरे घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। अब मुझे नहीं जानकारी, ये वेरीफाई करना उन लोगों का काम है जिन्होंने छपवाई है, क्या गलत रसीदें छपवाई या सही छपवाई है, लेकिन लोग परेशान है, सवेरे घंटी बजा देते हैं कि ये चंदा चाहिए।